नमस्कार मित्रों, आपके अपने चैनल टीचर्स एकेडमी से मैं हूं अम्बरीश शुक्ल। आज मैं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी मेंस के तहत किस तरह की रणनीति बना के पढ़ाई करनी है और इसमें जो हिंदी से संबंधित चीज़ें हैं, जिसमें व्याकरण, पत्र और निबंध लेखन, इन तीन पोर्शन पर मैं आपको गाइडेंस दूंगा और पत्र लेखन और व्याकरण पर कमांड करूंगा कि मैं जितना आपको बता दूंगा, जिस तरह से बता दूंगा, वो आपके लिए परीक्षा में अति उपयोगी सिद्ध होगा और वो अच्छे अंक आपको दिलाएगा। देखिए मित्रों, आप कितना अधिक जानते हैं इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब परीक्षा लिखित होती है तो उसमें आपकी अभिव्यक्ति क्षमता किस तरह से है, आपकी भाषा की सरलता कितनी है और आपकी भाषा का अभिव्यक्ति पक्ष कितना है, यह बहुत ही मायने रखता है। जी हाँ, आपकी भाषा में अलंकारिकता नहीं होनी चाहिए, लाक्षणिकता नहीं होनी चाहिए, भाषा सीधी और सपाट होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए और कूटबद्ध होनी चाहिए। तो कूट भाषा में आप सरलता का प्रयोग करना चाहते हैं तो थोड़ी सी कठिन बात हो जाती है। बहरहाल, सबसे पहले हम देख लेते हैं पूरी योजना क्या है। तो आप जानते ही होंगे इस योजना के विषय में। ये 17 फरवरी 2019 दिन रविवार को पेपर होना है और सुबह के समय में सामान्य अध्ययन का पेपर होगा जो आपको स्वयं पढ़ना है। बाकी द्वितीय प्रश्न पत्र जो होता है वो सायं 2 बजे से 5 बजे तक होगा और इसमें खंडेक में सामान्य हिंदी एवं आलेख परंपरागत सब्जेक्टिव मोड में आपको यहाँ पर लिखना, अर्थात लिखित परीक्षा होगी जो कि 2.5 घंटे में होनी है। और आधे घंटे में जो खंड 2 है उसमें सामान्य शब्द एवं व्याकरण वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे और वो 30 मिनट में, अर्थात 3 घंटे का पेपर होगा जिसमें सामान्य हिंदी आलेखन और हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न होंगे। ये 3 घंटे का पेपर होगा और ये पेपर मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊँगा। तो जी हाँ, अगर आपने समीक्षा अधिकारी परीक्षा पास कर ली है तो आपको शुभकामनाएँ हैं। और यहाँ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए जिससे और वीडियो आप तक पहुंच जाएं। साथ ही साथ अगर आप एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, जो कि एपीओ की वैकेंसी आने वाली है, कई छात्रों के मांग पर कि सर हम अच्छा तो कर लेते हैं लेकिन हिंदी में अच्छी पकड़ होने के कारण जिन लोगों का चयन होता है उनका हो जाता है और मेरा चयन इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि मेरी हिंदी पकड़ अच्छी नहीं थी। क्योंकि हिंदी को आप सरल मान लेते हैं, पत्र लेखन को सरल मान लेते हैं कि पत्र ही तो लिखना है, लेकिन पत्र लेखन सबसे कठिन होता है हिंदी में। क्योंकि वह क्या करता है, किसी अधिकारी के समक्ष भेजा जाता है और उस छोटे से पत्र में आपकी पूरी अभिव्यक्ति कौशल वहाँ पर दर्ज जाती है। चलिए शुरुआत करता हूँ कि कैसे कैसे पढ़ना है, क्या क्या है आपके यहाँ। बाकी जो कुछ लोग समीक्षा अधिकारी हिंदी हैं उनको अनुवाद करना है, समीक्षा अधिकारी उर्दू भी अनुवाद का है, वो आप स्वयं पढ़ेंगे। आपके यहाँ जो पाठ्यक्रम स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया है, लेकिन पाठ्यक्रम ये होगा, मैं आपको पाठ्यक्रम बता दूँ। सबसे पहले उसमें रहेगा आलेखन, आपका पहला चैप्टर जो है आलेखन है। आलेखन से आपके यहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं। आलेखन के अंतर्गत आता क्या क्या है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपका आता है आलेखन के अंतर्गत सरकारी पत्र। अब सरकारी पत्र के अंतर्गत ही कई कैटेगरियाँ हो जाती हैं, अर्ध सरकारी पत्र हो गया, पूर्ण सरकारी पत्र हो गया। तो सरकारी पत्र आपको पढ़ना है, कैसे लिखा जाता है, किसको डेडिकेट किया जाता है, किसके समक्ष रखने के लिए किस तरह के पत्र लिखे जाते हैं, पत्र लिखे कैसे, बीचों बीच लिखें, बगल लिखें, दाएं लिखें, बाएं लिखें, कहाँ से मोड़ना है, हाशिया कहाँ खींचना है, ये सारी तकनीकी पर मैं पूरी बात करूँगा। कहाँ पर कॉमा लगाना है, कहाँ हलंत लगाना है, ये सारी चीज़ों पर भी मैं तकनीकी रूप से बातचीत करूँगा। दूसरा है संदेश। तो संदेश भी आपको यहाँ पर बताया जाएगा कि संदेश के कितने माध्यम हैं और किस तरह के संदेश हैं कॉमन रूप से आज प्रयोग में जो लाए जा रहे हैं, तो यह भी आपके यहाँ पूछा जाता है। देखिए, पत्र जो है वो बढ़िया भूमिका निभाता है, कई प्रश्न इससे पूछे जाते हैं और यह आपसे गलत हो जाता है। दूसरा आपका संदेश है, तो संदेश के बाद क्या आपका तीसरा है, कार्यालयी ज्ञापन।
जब आप किसी कार्यालय में ज्ञापन देते हैं तो वो किस तरह की सावधानियां बरतते हैं, किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं और किस तरह आप लिखते हैं, ये जानकारी मैं कार्यालयी ज्ञापन में आपको दूंगा। अधिसूचना, अक्सर आप पेपर में, न्यूज़पेपर में, समाचारों में आप लोग सुनते हैं कि इस चीज़ की अधिसूचना जारी हो गई है, तो ये अधिसूचना है क्या, ये कितने प्रकार की होती है और वह किस तरह से लिखी जाती है। अगर आप समीक्षा अधिकारी बनते हैं तो अधिसूचना जारी अगर की गई है, अगर आपको उसका प्रारूपण तैयार करना है तो कैसे तैयार करेंगे, ये चीज़ हम लोग कक्षाओं के अंतर्गत देखेंगे। तीसरा है संकल्प। संकल्प कब करते हैं आप, जो संकल्प पत्र निकाले जाते हैं उनकी योजना क्या होती है, वो किसको निर्धारित करके लिखे जाते हैं, यह भी बातें भी हम लोग अपनी कक्षाओं में पढ़ेंगे। परिपत्र क्या है, तो इन सब पर अगर एक एक उदाहरण में आपको बता दूंगा, लिखा दूंगा तो नहीं पर्याप्त हो जाएगा। परिपत्र हो गया। अशासकीय पत्र, तो शासकीय पत्र और अशासकीय पत्र में अंतर भी पूछ सकता है और ये किसको लिखे जाते हैं, कैसे लिखे जाते हैं, इस पर भी विस्तृत चर्चा होगी। पत्र लेखन, पत्र लेखन भाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो किसको पत्र लिखना है और किस तरह से लिखना है, ये चीज़ भी हम उसी में देखेंगे। और टिप्पण लेखन, देखिए टिप्पण कहाँ लिखा जाता है, पत्र के नीचे लिखा जाता है, या टिप्पण लिखने का अधिकार किसको होता है, क्या कोई व्यक्ति स्वयं टिप्पण लिख सकता है या नहीं लिखा जाता, टिप्पण पत्र के पहले लिखा जाता है, टिप्पण के बाद में लिखा जाता है, ये सारी चीज़ें भी हम लोग इसी में देखेंगे। उसके बाद आपका आता है द्रुतगामी पत्र, फिर पृष्ठांकन इसी में रहेगा, पृष्ठांकन आप कैसे कहते हैं, अनुस्मारक या जो आपका स्मरण पत्र होता है वो क्या होता है, यह भी हमको देखना है। प्रेस विज्ञप्ति, अक्सर देखते हैं ना कि प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दिया गया, तो ये प्रेस विज्ञप्ति जारी कौन करता है, किस तरह से होती है, इस पर भी पूरी चर्चा होगी। अर्थशासकीय पत्र हैं, कार्यालय के जो आदेश हैं, मान लीजिए किसी कार्यालय में आप काम कर रहे हैं तो वहाँ के जो आदेश हैं किस तरह पारित होते हैं। और सबसे आखिरी में नियुक्ति पत्र, तो अभी से ही आप कम से कम नियुक्ति पत्र जान जाइए, मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप सबको नियुक्ति मिले, लेकिन नियुक्ति पत्र आपको मिलेगा कैसे, कैसे लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, किसको संबोधित किया रहता है, यह सारी चीज़ें भी हम लोग नियुक्ति पत्र के अंतर्गत जानेंगे। तो मित्रों ये है आपका पाठ्यक्रम, बाकी जो हिंदी व्याकरण है वो मैं वैसे ही आपको पढ़ा दूंगा कि कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है जिससे तकनीकी रूप से आपको मैथमेटिकल तरीके से प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं और उसका जो मूल्यांकन किया जाता है, जो अंकन होता है, वह भी मैथमेटिकल तरीके से होता है। इसलिए इन सभी का जवाब एकदम सूझबूझ के साथ और सुगठित भाषा में दिया जाना चाहिए। बहुत सारे मेरे साथी मित्र ऐसे हैं कि बार बार उन्होंने समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम दिया लेकिन मेंस में गड़बड़ हो जाता है, हमेशा वो हिंदी को दोष देते हैं, लेकिन इस बार हिंदी को आप दोष नहीं देंगे यदि आप चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं, लगातार हमसे पढ़ते रहते हैं। तो मित्रों जल्द ही मैं, अर्थात कल से ही हो सकता है, मैं शुरुआत कर दूँ, कुल मिलाकर 5 से 7 कक्षाओं में पूरा हिंदी कवर हो जाएगी। तो आपका काम ये बनता है कि आप अपने ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिए, जहाँ भी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की ग्रुप हैं या कक्षाएं चलती हैं, जहाँ भी इस तरह के माहौल है वहाँ पर इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो मित्रों और APO का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए भी लगभग सेम सिलेबस है इसका, तो एक समान पाठ्यक्रम है, तो दोनों की तैयारी आप साथ साथ कर सकते हैं। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।